जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने बीजेपी नेताओं पर जुबानी हमला बोला है। नरेश ठाकुर ने कहा कि चुनावों के नजदीक बीजेपी आला नेताओं को जनता की याद आ रही है और जनता के बीच आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में मिशन रिपीट करेगी क्योंकि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। 2017 का मिशन रिपीट है, कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी हिमाचल प्रदेश के अंदर और संगठन जो है वो पूरी तरह से इन चुनावों के लिए तैयार है। कांग्रेस में कहीं भी कोई लड़ाई नहीं है और कांग्रेस जो है वो एक विचारधारा है और एक पार्टी है और छोटी मोटी बातें बड़े परिवार के अंदर होती रहती हैं। कांग्रेस मजबूती के साथ आने वाला 2017 का चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो कैबिनेट की मीटिंगें हो रही हैं उनमें आपने देखा होगा कि जब भी कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें कई ऐसे अहम फैसले लिए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए, रोजगार के लिए, और जहां जहां हिमाचल प्रदेश की सरकार ने घोषणाएं की थी उनको पूरा करने के लिए। तो ये जो कैबिनेट बैठकें होती हैं इसमें नेचुरली जब भी कोई फैसला लेना होता है और कोई सी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो कैबिनेट की बैठकों का आयोजन तो होता है और उसी आपने देखा होगा कि जितनी भी कैबिनेट बैठकें हुई उसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार ने नए नए युवाओं के लिए और रोजगार और नए नए जो भी उन्होंने घोषणाएं की थी उनको पूरा किया जा रहा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने बीजेपी नेताओं की कैबिनेट बैठकों पर की जा रही बयानबाजी पर भी पलटवार करते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठकों के बाद हो रही घोषणाएं जनता के हित में हैं। इस पर बीजेपी नेताओं को एतराज नहीं होना चाहिए। आजकल जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो भी छोटे छोटे इस पे उद्घाटनों के लिए और लोगों के बीच में दौड़ रहे हैं। आज से पहले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में बीजेपी के बड़े नेताओं को आज तक भी जो आम जनता की उन्होंने सुध ले ली, परंतु अब चुनावी दौर आ रहा है तो वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से छोटे छोटे इसमें कस्बों में जा रहे हैं और इससे पहले उन्होंने ना तो किसी की सुध ली, ना आम जनता के बारे में सोचा ना पूछा, परंतु कांग्रेस ने हमेशा 4.5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर बहुत सारा जो है आम जनता के लिए कल्याणकारी नीतियां लेकर आई है, रोजगार के साधन लेकर आई हैं और कांग्रेस ने हमेशा आम जनता के हित में सोचा है और निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस 2017 के चुनावों में जीत सुनिश्चित करेगी। नरेश ठाकुर ने कहा कि टिकटों को लेकर हाईकमान ही तय करती है और इसके लिए जिला स्तर पर नाम मांगे गए थे जिसे भेजा गया है ताकि जनता के बीच जाने वाले और जीताऊ उम्मीदवारों की पैरवी ही जिला कांग्रेस हाईकमान से की जाएगी। जहां तक टिकटों की बात है, क्योंकि टिकटों का फैसला जो हाईकमान करती है और आखिर में हाईकमान ने ही फैसला लेना होता है, और हमीरपुर जिला की बात है तो हमीरपुर जिला से भी हमारी ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर अगर रिकमेंडेशंस मांगी जाएगी तो हम लोग हमारी वही रहेगी कि उसमें नए युवाओं को आगे लाया जाए और जो लोग जीतने की क्षमता रखते हों, जो एक अच्छी छवि के लोग हों और जो लोगों के बीच में उनका वो रहा हो, ऐसे लोगों को ही हम लोग सिफारिश करेंगे कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए। देखिए, मैंने ये पहले भी कहा कि हाईकमान ने फैसला लेना कि कब तक वो टिकटों का फैसला करते हैं, ये उनका कार्यक्षेत्र है और हाईकमान ही इसका फैसला करेगी कब तक वो टिकटों का फैसला ले। देखिए, जहां तक टिकटों की बात है एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद जो है हाईकमान फैसला लेगी और हाईकमान का जो फैसला होगा वो सबके लिए निर्णय सर्वसम्मति से होगा और पार्टी उसके लिए तैयार है और कांग्रेस निश्चित तौर पर जो है जो भी प्रत्याशी होंगे उनके लिए संगठन जो है दिन रात काम कर